मैं ए के मिश्रा साहब के पास चलूंगा, फिर कांग्रेस और बीजेपी। मिश्रा जी, दो बातें बड़ी विचित्र हैं। एक पहली बात तो ये कि भाई कितना भी प्रिय हो आदमी, लेकिन अगर वो 4 महीने जेल से छूटी ना पाए तो उसे मंत्री तो नहीं रखते। भले बाद में आ जाए तो उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो, बोनस के साथ वापस कर दो, उसका कष्ट दूर कर दो, लेकिन इस्तीफा तो होता ही है। एक और दूसरा मेरा प्रश्न ये कि अभी वो राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री हटे थे, उनके एक मित्र हमको मिले, उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो ये कैसा जुल्म हो रहा। बोले हमारे नेता को 24 घंटे में पैदल कर दिया है, और सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में है फिर भी मलाई खा रहा है क्या। बोले आप किससे कहें ये दुख। मिश्रा जी, ये बात समझ में नहीं आई। राजेंद्र गौतम का तो मामला एक आइडियोलॉजिकल एक लड़ाई थी, वो जिस धर्म की दीक्षा लेने गए थे, उन्होंने कहा भाई कॉमन बात है प्रतिज्ञा लेना, तो उनको तो 24 घंटे में बोले भूतपूर्व करो क्या। अब वो चंद्रशेखर रावण से मिल रहे हैं, ये सुकेश चंद्रशेखर से मिल रहे हैं सत्येंद्र, वो चंद्रशेखर रावण से मिल रहे हैं, बेचारे क्या करें। मिश्रा जी देखिए आप जी, इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये लेटर, ये आरोप भाजपा, कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल आदमी लिख के देता तो समझ में आता कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। एक जाना माना जगलर, जाना माना ठग भारत के इतिहास में लगभग मैं पहली बार देख रहा हूं कि इसके पहले जितने भी डॉन गुंडे पकड़े गए वो इतने ही बोल के चुप हो जाते थे कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो बहुतों की पोल खुल जाएगी। हाँ, कोई मगर मुंह मुंह नहीं खोलने खोलते की थे। हिम्मत नहीं करता था। ये राइटिंग में लिख के दे रहा है और क्लेम कर रहा है मैं प्रूफ करने के लिए तैयार हूं। तो डेफिनेटली ये एक गंभीर प्रकरण है, स्पेशली कट्टर ईमानदार पार्टी के लिए। कट्टर ईमानदार पार्टी के पूरे व्यवहार को आप देखिए, इनके नेताओं को, ये बड़े चूजी हैं। जैसे आपने बोला कि गौतम जी को इन्होंने तुरंत हटा दिया, आपके पास वो अपनी जो है दारुण दुख वाली बात लेके पहुंच गए, और सत्येन जी को अभी तक नहीं हटाया। तो ये बहुत चूजी टाइप के हैं, किस टाइप पे इनको क्या करना है, क्या बोलना है, अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, अपने हिसाब से उसको सही भी दे देंगे। इतना चूजी पार्टी भी मैंने नहीं देखा है जो किसी मान मर्यादा को ध्यान में जी नहीं रखती है, सारी सिचुएशन को अपने हिसाब से वो सिलेक्ट करती है और उसको वो सही बता देती है। ठीक बात तो ये कुछ यूएसपी है आम आदमी पार्टी की, जी और ठीक है ये यूएसपी इनके लिए फायदेमंद है जी कि नुकसानदायक है वो दूसरी चीज है, लेकिन ये इनकी यूएसपी है। लेकिन इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि अगर कोई जगलर, कोई ठग इतना बड़ा आरोप राइटिंग में लगाए और प्रूफ देने को तैयार है तो मेरे ख्याल से सारे पार्टियों को इस पे एक्टिव होकर के इसकी ठीक जांच बात करवानी जी चाहिए। जी ये फिर भी उसने पब्लिक डोमेन में कोई चीज लिख के एलजी को भेज दी। एलजी मतलब भारत सरकार, एलजी दिल्ली सरकार नहीं, दिल्ली भारत सरकार का नुमाइंदा है दिल्ली में, ठीक, उसको भेज दी, फाइल में आ गई चीज। अब ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इस चिट्ठी का सत्य देश को पता लगे, या ये चिट्ठी भी यूं ही हवा में उड़ती रहेगी, फिर बाद में इसका कोई पतंग बना के उड़ा लेगा, ये इस पर कोई समोसा रख के खा लेगा, दोनों काम हो सकते हैं। ये नहीं तो पतंग बना के उड़ा लो, ये समोसा खा लो, उस पे रख के वो हाथ पोंछ के फेंक दो। नहीं ऐसे देखिए मिश्रा जी अमिताभ, ये मामला केवल ये नहीं है कि किसी ने किसी से 50 करोड़ रुपए ले लिए। ये मामला ये है कि जेल के अंदर रहते हुए इतना बड़ा कारनामा चल रहा है, एक महाठग है और दूसरे महासम्मानित मंत्री हैं। मैं इनके जो नेता हैं हम आम आदमी पार्टी के, मैं मतलब वो महासम्मानित है, बहुत जी सम्मानित पद पे वो, ठीक है और तिहाड़ जैसी जानी मानी जेल जिसकी रेपुटेशन हो रही है, तो क्या अंदर सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि अंदर बैठे बैठे करोड़ों और अरबों का खेल होता रहे। भाई वो कोई बैंकिंग, तिहाड़ के अंदर कोई बैंक है क्या, या बुलियन मार्केट है या शेयर मार्केट का, वहां पे धंधा करने के लिए लोग जाते हैं। तो इसमें दो तीन पॉइंट है। एक तो चिट्ठी की जांच होनी चाहिए, भारत सरकार करे या कोई और जो है न्यायपालिका वगैरह भी कर नहीं सकती नहीं है, मिश्रा स्वतः जी, एक एक मिनट संज्ञान। एक मिनट भाई, मुझे बताओ चिट्ठी की जांच अमिताभ अग्निहोत्री ये के मिश्रा करेंगे क्या। नहीं ना, तो सरकार तो बोले, भाजपा वो संवैधानिक संस्थाएं ही को करेंगी। तो बोलना चाहिए ना, भाजपा सरकार को रिप्रेजेंट करती है। नहीं बिल्कुल, अगर जहां ये शिकायत गई है एलजी साहब को, इसको आगे बढ़ा के
जो जांच जिस पद के अधिकारी से जिस उचित विभाग को ये हैंडओवर करना चाहिए, इस केस को सीरियस लेते हुए तीन चार बिंदुओं पे जांच होना चाहिए। एक तो एक्सटॉर्शन, दूसरा तिहाड़ जेल जो अब जिसकी एक रेपुटेशन थी, किरण बेदी वगैरह ने बहुत मेहनत की थी कि जेल के अंदर क्राइम ना हो, और तिहाड़ जेल सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का अड्डा बनता जा रहा है। तो ये जेल विभाग की भी जांच होनी चाहिए, दो बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए, पॉलिटिक्स वगैरह तो होती रहेगी। ठीक बात मिश्रा जी। सर्वे अगर सत्येंद्र जैन वहां चार बार मिलने गए जैसा उल्लेख है तो उसका प्रमाण होगा? अच्छा, सत्येंद्र जैन भी मूंगफली बेचने वाले नहीं के भेष बदल के चले गए हूं? भाई जेल मंत्री है, गया होगा तो सुकेश से मिला होगा, तो सुकेश जेलर कमरे में आया होगा, तो मूवमेंट दर्ज होता है कैमरों में नहीं? यही हफ्ते भर में पता लग जाए तो भी चलो शांति हो, इनका ये खिलौना छुपा देंगे डर के मारे क्या? और देश को भी भरोसा होगा कि भाई चलो मामला ठीक है, फिर ये खिलौना बच्चे को दे देंगे खेलने के लिए, तो अपने साथ नहीं रखेंगे। एके मिश्रा जी, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रक्रिया, कोई साइंस, कोई ज्यादा लंबा काम नहीं होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि तिहाड़ जेल सुरक्षा वगैरह और नियमों के पालन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान या जेल माना जाता था, सबसे सुरक्षित, जहां पे कि नियमों का पालन होता था। अब उसके बाद अगर सत्येंद्र जैन बीइंग ए मंत्री होते हुए भी कई बार उससे मिलने के लिए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है सारे सुरक्षा के नियमों की धज्जियां खुद एक मंत्री ने उड़ा दी कि भाई कैमरे बंद करवा दिए, रजिस्टर में एंट्री नहीं करवाई और गए मिल करके चले आए। चूंकि मंत्री थे तो ये चीजें अगर दुरुपयोग कोई करना चाहे तो कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि जो सबसे सुरक्षित जेल है, जहां पे नियमों का जो है पालन अक्षरशः किया जाता है, किसी भी कैदी के पास मोबाइल वगैरह इन सब चीजों की फैसिलिटी नहीं है, वहां पे भी इस तरीके का जी, मिश्रा जी, दिल को बहलाने के, मिश्रा जी ठीक है, दिल को